आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार शर्मा, आज अपन बात करेंगे स्टाई के बारे में। स्टाई या हॉर्डिलम, देखो स्टाई क्या होता है। स्टाई इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द जाइस ग्लैंड। ठीक है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है किस पे? जाइस ग्लैंड पे। देखो एक तो होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन और एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन जैसे ट्यूब इन्फ्लामेशन हो प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है कि जो लंबे समय से इन्फ्लामेशन चलता इन्फ्लामेशन हो रहा हो वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में आता है। तो ये क्या हो, एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है इसमें जाइस ग्लैंड पे। अब बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की, किसकी क्या एटियोलॉजी है, मतलब किस किस कारण वश होता है ये। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है प्री डिस्पॉन्सिंग फैक्टर्स। इसमें अपन बात करेंगे इसकी, इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। यह मतलब चिल्ड्रन में और यंग एडल्ट में मोस्टली होता है। एंड इन पेशेंट विद आई स्टैंड ड्यू टू मसल्स इम्बेलेंस एंड रिफ्रेक्टिव एरर्स। यानी कि जो रिफ्रेक्टिव एरर्स और मसल्स इम्बेलेंस की वजह से आई के स्टैंड होता है, ठीक है, आई के स्टैंड होता है, तो उसकी वजह से भी स्टाई हो सकती है। हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आई और फिंगरिंग ऑफ द लिड एंड नोज, मतलब जो आई को बार बार में रब करना, ठीक है, और जो आई की लिड है लिड पे और नोज पे फिंगरिंग करना, इस वजह से भी ही आई के इस वजह से भी स्टाई होती है। ठीक है, क्रोनिक ब्लेफराइटिस एंड डायबिटिक मेलेटस आर यूजली एसोसिएटेड विथ रिकरेंट स्टाई। ठीक है कि क्रोनिक ब्लेफराइटिस यानी जो लंबे समय से ब्लेफराइटिस हो, ब्लेफराइटिस क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड मार्जिन। ठीक है कि लिड मार्जिन पे लंबे समय से कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो ब्लेफ्राइटिस होती है। ठीक है, तो क्रोनिक ब्लेफ्राइटिस एंड जो डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर ये है, उसके साथ में रिकरेंट होती रहती है, यानी बार बार में इन कंडीशन के अंदर यह स्टाई बार बार में होती है। ठीक है, मेटाबोलिक फैक्टर्स यानी क्रोनिक डिबिलिटी और एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अल्कोहल। ठीक है कि जो मतलब क्रोनिक लंबे समय से किसी भी पर्सन में दुर्बलता हो और जैसे कि अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का और अल्कोहल है उसका सेवन करता हो तो उसकी वजह से भी यह स्टाई होती है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉमनली इन्वॉल्व इज स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस। ठीक है कि स्टेफाइलोकॉकस और इस नामक बैक्टीरिया की वजह से भी यह स्टाई हो सकती है। बात करते हैं इसके क्लिनिकली फीचर्स की। क्लिनिकली फीचर्स में अपन बात करेंगे साइन और सिम्टम्स की। तो पहले अपन सिम्टम्स के बारे में देखते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। कि इसके अंदर एक्यूट पेन होगा, ठीक है, एक्यूट पेन एसोसिएटेड विद स्वेलिंग ऑफ लिड, लिड पे स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, माइल्ड वॉटरिंग होगा, फोटोफोबिया होगा। ठीक है, पर देखो इसके अंदर जो मेन चीज होगा, इसके अंदर सीवियर कंडीशन के अंदर पेन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइन की। साइन ए लोकलाइज्ड पेनफुल एंड हार्ड स्वेलिंग इज सीन नियर द लिड मार्जिन। ठीक है कि जो लिड मार्जिन के पास में जो पेनफुल वाला जो जगह होगी वहां पे हार्ड स्वेलिंग प्रेजेंट होगी इसमें। ठीक है, अपन को हार्ड स्वेलिंग देखने को मिलेगा जो पेनफुल वाला जगह होगी वहां पे। ठीक है, दी लिड मार्जिन इज रेड, लिड मार्जिन रेड कलर की दिखने को दिखाई देने को मिलेगा, रेडनेस लिड मार्जिन पर रेडनेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो ये तो हो गई अर्ली स्टेज वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये उसमें होगा, इसके अर्ली स्टेज वाली कंडीशन के बाद में आती है एब्सेस कंडीशन, एब्सेस स्टेज। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होगा कि जैसे थोड़ा सीवियर कंडीशन के अंदर ये स्टाई होगी। तो अपन चलो देखते हैं एंड एब्सेस में फ्रॉम विच पॉइंट नियर द बेस। ठीक है कि जो इनका जो एब्सेस जो अपन को दिखाई देगा वो उसका जो फर्स्ट पॉइंट के रूप में अपन को ये दिखाई देगा, जो इसका बेस है वो फर्स्ट पॉइंट के रूप में अपन को ये दिखाई देगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। हॉट फॉर्मेंटेशन अप्लाइड फ्रीक्वेंटली इन द अर्ली स्टेज इज यूज्ड, कि जो इसके अंदर अपन को हॉट फॉर्मेंटेशन अप्लाई करना होगा, यानी उनको बताना होगा कि आपको गर्म स्टाई को है उसको गर्म सेक करना होगा दिन में 2 से 3 बार। ये क्या होता है कि अर्ली स्टेज में अपन ये चीज करते हैं तो वो उसी जगह ही मतलब अर्ली स्टेज के अंदर ही ये मतलब कवर हो जाती है,
यानी कि ये बाद में सीवियर कंडीशन में नहीं जाती इस टाइप, ठीक है। इसके बाद में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप यूज में करते हैं दिन में 3 से 4 टाइम, ठीक है। एंड आई ऑइंटमेंट एट बेड टाइम, आई ऑइंटमेंट यूज में लेते हैं रात को सोने वक्त। शुड बी अप्लाइड टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपन आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप यूज में लेते हैं। आई ऑइंटमेंट रात को सोते वक्त और दिन में 2 से 3 से 4 बार ये ड्रॉप यूज करना होगा एंटीबायोटिक ड्रॉप। सिस्टमेटिक एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक रिलीव पेन, अपन को सिस्टमेटिक एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग यूज भी करना होगा इसके लिए रिलीव पेन, जो उसमें एडिमा प्रेजेंट होता है उसको रिलीफ के लिए अपन को ये ड्रग यूज में लेनी होती है। सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स शुड बी यूज फॉर अर्ली स्टेज कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, ये जो अर्ली स्टेज वाली इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन को सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स यूज में लेनी होती है। और सर्जिकल इंसिजन की जैसे रेयर कंडीशन के अंदर, जैसे मान लो कि जो स्टाई है वो थोड़ी रेयर कंडीशन में आए तो अपन उसको इंसिजन के माध्यम से सर्जिकल इंसिजन लगाना होता है, तो उसमें जो जो पस होता है उसको रिमूव करना होता है ताकि वो जल्दी से इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके, ठीक है। थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आपके कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए ताकि आपको समय पर वो वीडियो आपको मिल सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।